हेलो एवरीवन, मैं हूँ भूपेश पालीवाल। अनअकैडमी के लाइव प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। वेलकम टू अनअकैडमी। चलिए, जितने भी लोग जुड़े हैं सभी का स्वागत है। क्लास में बने रहे, क्लास के साथ अंत तक। शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। एक बार सब लोग कंफर्म करें मेरा वॉइस और वीडियो आप सभी को क्लियर है। एक बार सब लोग कंफर्म करो मेरा वॉइस और वीडियो सभी को क्लियर है। चलिए, बढ़िया है। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। जी ऑल क्लियर है, ठीक है। शुरू करते हैं आज का क्लास और एक एक करके देखना शुरू करते हैं। जी, चलिए ध्यान देना। तो आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वहाँ पर हमारे क्लासेस लगते हैं स्पेशल, जो होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप ज़रूर इस स्पेशल क्लास का हिस्सा बने। अभी 12 बजे भी हमारी फ्री क्लास है फिजिक्स का, और रात में 10 बजे मध्य प्रदेश स्थापत्य कला किले मंदिर भवन, ये सब फ्री क्लास वाला पार्ट है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसे ज्वाइन जरूर करें। फ्री क्लास है, डायरेक्ट जुड़ सकते हो आप हमारे साथ, ठीक। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसरो ने किस भारतीय संचार उपग्रह को निष्क्रिय किया? कार्टोसेट 2, जीसेट 9, इनसेट 4B, इनमें से कोई नहीं। क्लास लेने का वे इस प्रकार से है, थोड़ा सा तरीका मैं बता देता हूँ कि करंट अफेयर का ही पार्ट है, बट पहले क्वेश्चन और देन उसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इसके जस्ट बाद वाली स्लाइड पे दिया जाएगा। जिन लोगों को थोड़ा बहुत अपडेट है करंट अफेयर वो प्रैक्टिस करेंगे, जो लोग करंट अफेयर पहली बार पढ़ रहे हैं इस स्लाइड के बाद वाली स्लाइड से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद वाली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये करंट अफेयर बोल क्या रहा है, ठीक है। इसलिए चिंता बिल्कुल ना करें। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये, और इसका आंसर लगाइए सब लोग। इसरो ने किस भारतीय संचार उपग्रह को निष्क्रिय किया है? कार्टोसेट 2, जीसेट 9, इनसेट 4B, इनमें से कोई नहीं। चलिए सी पर आंसर आ रहा है मैक्सिमम लोगों का, और जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक रिदम बन गया, एक के पीछे एक गलत करते हुए जा रहे हैं शायद, ठीक है। कब शिफ्ट होगी, मॉर्निंग में कब शिफ्ट होगी? करते हैं बाबू ऑलराउंडर, थोड़ा सा नींद का इशू है, ठीक है, करते हैं उसको भी। 9 बजे तक कर देंगे इसको शिफ्ट जल्दी से जल्दी। चलिए, मॉर्निंग में कब शिफ्ट होगी? तो बिल्कुल सही, इसका आंसर आएगा मॉर्निंग में कब शिफ्ट होगी ये तो बाद में बताएंगे। बाकी इसका आंसर देखो, इसरो ने किस भारतीय संचार उपग्रह को निष्क्रिय किया है? तो वो है आपका इनसेट 4B। ध्यान देना, देखो इनसेट 4B ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। यह जो हमारा इनसेट 4B है, बस इतना याद रखना, यह एक संचार उपग्रह था, संचार का उपग्रह था, और जिसका काम खत्म हो गया। एक होता है ना एक्सपायर होना, कि मतलब इसके भरोसे अब नहीं दिया जा सकता, ये अपना काम कंप्लीट कर चुका है। तो इसने अपना काम कंप्लीट कर दिया इनसेट 4B ने, और इसकी सेवाओं को अंत करते हुए, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया है, पोस्ट मिशन डिस्पोजल करते हुए 24 जनवरी को बंद कर दिया गया था, ठीक है। ध्यान रहे, इसको उड़ा दिया है, इसको खत्म कर दिया, ठीक। अगला है आपका, इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। ये जब भी मैं ग्रीन कलर का ब्रैकेट बताता हूँ आपको, बहुत सारे लोग ग्रीन कलर के ब्रैकेट पे सुनते नहीं है, बस करंट अफेयर की बातें पता चलना चाहिए, ग्रीन कलर के ब्रैकेट से हमको क्या लेना देना। लेकिन मैं आप सब लोगों को बता चुका हूँ पहले भी, ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है ये आपके लिए स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को हमेशा याद होना ही चाहिए। मतलब ये बार बार आप लोगों को रिपीट करा कर ये बताया जाता है कि अगर गलती से आप भूल गए हो या रिविजन नहीं किया, पढ़ लो। इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। ये 3 पॉइंट याद रखो, यहाँ से बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ध्यान रखो, ये सारे पॉइंट हो गए। इसके बाद अगला है आपका, भारत का पहला बायोमास आधारित संयंत्र सॉरी कहाँ पर स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। चलिए बहुत बढ़िया, कॉम्बेट में DRDO हेड आए थे, और अपनी क्लास से तो सबने लगा दिया था ना, DRDO के हेड कौन है? मेरे हिसाब से अपनी क्लास में तो सभी को पता होंगे। चलिए, तो ध्यान देना क्वेश्चन, कि भारत का पहला बायोमास आधारित संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया रेशमी, इसका आंसर क्या आएगा? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के खंडवा में।
कहाँ पर स्थापित किया है? मध्य प्रदेश के खंडवा में। बहुत बढ़िया। देखो इसकी इंफॉर्मेशन देखो, तो मध्य प्रदेश इसका आंसर रहेगा बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो बायोमास या जितने भी जियो गैसेस है उनको मिलाकर हाइड्रोजन गैस बनाई जा रही है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। यहाँ पर इस संयंत्र की पावर, ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ये आपके दिमाग या आपके आइडिया के लिए बता रहा हूँ, कि 30 टन जो आपका बायोमास है उसको 1 टन में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है ये। 24 करोड़ रुपये समथिंग इसकी लागत है, और ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम में नहीं आएगी, ठीक है? ये आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं आपको। बाकी इम्पोर्टेंट क्या है कि बायोमास से हाइड्रोजन गैस संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया है? खंडवा में, ये इम्पोर्टेंट है। और कंपनी का नाम इम्पोर्टेंट है, वाटामो एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का ये प्लांट है। हमारे एग्जाम ने पहले भी पूछा है, आप लोग जानते हैं कि बिना रिफाइनरी किस देश की मदद से ओपन हुई है, या फिर हमारे वहाँ पूछे ऐसे क्वेश्चन कि इसे कौन सी कंपनी मदद कर रही है, रिलायंस का उद्योग कहाँ पर स्थित है, या फिर TMT घड़ी का उद्योग कहाँ पर है, एग्जाम पूछ चुका है पहले भी। वैसे ही यह प्रश्न क्या रहेगा, वाटामो एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, या इनका संयंत्र जो अब बायोगैस से हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर रहा है कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के खंडवा में। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो ग्रीन कलर के ब्रैकेट है उसमें दे रखा है कि हाइड्रोजन ईंधन जो है वो शून्य उत्सर्जन ईंधन है जो ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, और इसमें कार्बन की मात्रा ना के बराबर हो जाती है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहे H2, ठीक है? ये हाइड्रोजन गैस। परमाणु क्रमांक इसका 1 है और पीरियोडिक टेबल में नंबर 1 एलिमेंट है ये, ध्यान रखना। अगला है आपका, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पल्सेस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 10 फरवरी, 15, 13 फरवरी, 7 फरवरी और 3 फरवरी। 15 फरवरी होना चाहिए था ऑप्शन में, बहुत सारे लोग ढूंढ रहे होंगे उसको। चलिए, तो विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? दलहन दिवस पे तो सब टूट पड़े एकदम, सबको याद है दलहन दिवस। ये क्वेश्चन दिया तो दिया कैसे आपने, ये तो हमको याद है। क्यों? काफ़ी सारे लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन पे जो प्रभाव आया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 10 फरवरी, ध्यान देना। तो 10 फरवरी को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा, हर साल 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? तो 2018 से मनाया जा रहा है, ध्यान देना। इसके अंदर खास क्या है कि जितनी भी दालें हैं उनको, दालों के महत्व और दालों के महत्व को लोगों को समझाने के लिए इसको मनाया जाता है। अब एक बात और इम्पोर्टेंट है दलहन फसल के साथ, ये याद रखो, इसका थीम अगर आप याद कर सको तो 2022 का थीम क्या है? युवाओं को स्थायी कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाने के लिए दलहन, ये कुछ इसका थीम है। इतना लंबा चौड़ा पर है तो है, ठीक। और अगर बात करें खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे FAO कहते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन करके जो है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो FAO की अगर बात करें तो इसके प्रमुखों ने क्यू डोग्यू, ठीक है? अगर इनके प्रमुख याद नहीं होते तो भी कोई बात नहीं, आप कोशिश करें क्यू डोग्यू। लेकिन इनका हेडक्वार्टर बहुत बार एग्जाम में पूछा है, FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इटली। ये बहुत बार पूछा है पहले, ठीक है? इटली, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आया है, ठीक है? तो FAO के हेड कौन है? क्यू डोग्यू। FAO का हेडक्वार्टर है इटली में, और FAO का जो स्थापना है वो कब हुआ? 1945 में, ठीक है? ध्यान देना, FAO का जो स्थापना है वो कब हुआ? 1945 में। ये हो गया आपका 10 फरवरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस राज्य में 82,000 किलो का, 82,000 किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है? मतलब एक घंटा बनाया गया है और आपको बताना है 82,000 किलो का घंटा कहाँ पे बनाया जा रहा है? छत्तीसगढ़, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, उड़ीसा। ध्यान देना क्वेश्चन पे, किस राज्य में 82,000 किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा। चलो, तो बढ़िया है, ये घंटे के साथ में काफी लोगों ने, हाँ बेटा मंदिर वाला घंटा है ये, तो देखो फोटो देखो आपको क्लियर हो जाएगा। सब लोग ध्यान से, डाउट मत आने देना, डाउट मत आने देना।
ये है वो घंटा, दिख रहा है सबको? एक बड़े से ट्रक के अंदर रखा हुआ दिख रहा होगा आपको, इतना बड़ा और भारी। एक बार देखो आप उसको, 82 किलो का घंटा है बेटा। तो आप सोच के देखो, जब अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, 82 हजार के बजाय 1 लाख किलो का बना दो, बनाने में क्या जा रहा है। लेकिन आपको हैंडल देख के समझ में आ रहा होगा कि ये लगाया जाएगा। तो आप सोचो जिस दीवार के ऊपर या जिस एंगल पे इसको पुट किया जाएगा या लगाया जाएगा, वो कितना हैवी होगा। आप समझो 82 हजार किलो का ही अगर ये वेट ले रहा है, तो जो इसको कैरी करेगा वो कितना ज़्यादा लोड लेगा। आया समझ में? वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए बड़ा घंटा है काफ़ी। देखो यहाँ पर बेल का एक वो घंटा बना है, राजस्थान के कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पे लगाया जाएगा ये, और देश का सबसे बड़ा घंटा, ठीक है, और रिकॉर्ड बना दिया है ये। और यहाँ ध्यान देता हूँ, स्टील मैन ऑफ इंडिया इंजीनियर देवेंद्र कुमार आर्य, इन्हें इंजीनियर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं वो, और हरिराम कुंभावत जो राजस्थान के हैं, उन दोनों को यहाँ पर, इन दोनों ने मिलकर ये बनाया है, ठीक है। चलो याद रखो सब लोग, यहाँ पर इंजीनियर देवेंद्र कुमार आर्य, स्टील मैन ऑफ इंडिया, इनका नाम जरूर लिख लेना। बढ़िया, आगे चलते हैं। किसे कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इंडिया में अभी हाल ही में एग्रीकल्चर सेक्रेटरी के रूप में विनीत मान, विजय सेन, मनोज आहूजा और इनमें से कोई नहीं। हाल ही में निम्न में से किसे कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? कृषि सचिव के रूप में विनीत मान, विजय सेन, मनोज आहूजा, इनमें से कोई नहीं। कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया है, निम्न में से किसे कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया है? बढ़िया, चलिए। तो नहीं आ रहा है, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। गलत है, बी बी गलत है। इसका आंसर आएगा मनोज आहूजा, ध्यान देना। तो मनोज आहूजा हमारे प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन सेवा से संबंधित है, आईएएस है। देखो मनोज आहूजा जो है आपके, उनको चुना गया है एफएओ, ये हमारा इंडियन इंडियन जो आपका एग्रीकल्चर वाला है, तो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी चुना है इंडिया के अंदर मनोज आहूजा को। अभी इम्पोर्टेंट है कृषि भारत के अंदर, तो इसलिए टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। पहले मनोज आहूजा आपने सुना होगा सीबीआई के हेड रह चुके हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में क्या बने, मनोज आहूजा कृषि सचिव बन गए हैं। अगर बात करें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत में, तो 1947 से है ये मंत्रालय, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में, ठीक। ये हेड याद रहे सबको, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन को कैसे समझो, इस क्वेश्चन को आप समझो कि जो एसएससी का एग्जाम होता है वही वाला स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, वो आयोग है, उसके अध्यक्ष किसे बना है? कर्मचारी चयन आयोग या एसएससी जो है आपका, उसका अध्यक्ष किसे बनाया है? आर हरदोई, वी नरेश, एस किशोर या इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना, कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर हरदोई को, वी नरेश को, एस किशोर को या इनमें से कोई नहीं। देखिए एसएससी के लिए अधिकतर लोग लगा रहे हैं सी, चलिए। तो सभी को पता था ये वाला क्वेश्चन, इसके पहले वाले में हालत खराब थी मनोज आहूजा वाले में, इस वाले में तो सभी को पता था एस किशोर। देखो ऑप्शन सी, एसएससी जो एग्जाम होता है उसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो ध्यान देना एस किशोर बन गए हैं। इंपॉर्टेंट है एसएससी के बारे में, अगर फैक्ट की बात करें इस स्लाइड में आपके काम का क्या क्या है। एसएससी का नया हेड या अध्यक्ष कौन है? एस किशोर, नंबर 1 पॉइंट जो आपको याद रखना है। एसएससी का हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली, नंबर 2 पॉइंट जो आपको याद रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 3, एसएससी की स्थापना कब हुई? 1975। याद रखेंगे सब लोग, ये 3 फैक्ट आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम तक लेकर जाना है। एसएससी की स्थापना 1975, एसएससी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और एसएससी के नए अध्यक्ष कौन है? एस किशोर, ठीक। याद रखेंगे सब लोग। अगर आपको अभी तक का पार्ट समझ में आ रहा है कि हर एक क्वेश्चन में आपके लिए थोड़ी थोड़ी डिटेल दे रखी है, वीडियो लाइक कर देना, सब लोग लाइक कर दो वीडियो, जितने लोग बैठे हैं क्लास में सब के सब लोग लाइक कर दो वीडियो को, अगर आपको अभी तक का पार्ट समझ में आया है कि चल क्या रहा है, करना क्या है, ठीक है। जितने भी लोग हैं आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, ताकि हाँ, कर दो फटाफट कर दो सब लोग। बढ़िया, चलो आगे देखते हैं।
लॉन्च पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी के लेखक कौन है? प्रवीण रावत, निहारिका जैन, विनीता घोषाल, सागरिका घोष। थोड़ा इजी हो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि अलग ही दिख रहा होगा आंसर आपको, लेखक कौन है? लॉन्च पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी के लेखक कौन है? तो बी और डी आ रहा है अभी तक लोगों का, ठीक है, डी पे ज्यादा, ठीक है, तो ध्यान देना। बढ़िया, बी और डी। तो अगर आप लोग इसे इसे जानते हैं, सागरिका घोष को अगर आप लोग जानते हैं, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। सागरिका घोष ऑप्शन डी इसका आंसर है। सागरिका घोष ने इसके पहले एक बहुत ही फेमस बुक लिखा है इंदिरा गांधी के ऊपर, याद है आप लोगों को? सागरिका घोष ने इसके पहले इंदिरा गांधी के ऊपर एक बुक लिखा है, वो बहुत फेमस है, एग्जाम कई बार पूछ चुका है सागरिका घोष का वो वाला बुक। तो ऑलरेडी इनका एक बुक ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है कई बार। सेम वैसे ही इनका एक नया बुक अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये सागरिका घोष के दो बुक है जो हमको याद रखना है, एग्जाम तक लेकर चलना है, ध्यान देना। सागरिका घोष भारत के पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी के ऊपर लिखा गया है, सागरिका घोष ने लिखा ही है, और इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। नाम क्या है बुक का? अटल बिहारी वाजपेयी। बस यहां पर सागरिका घोष के बारे में ध्यान देना, सागरिका घोष जो है आपके, उनकी बुक है इंदिरा, इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। चलिए अब देखो एक बार, सबको वॉइस अब क्लियर है? अब देखो सबको वॉइस क्लियर है? अब तो क्लियर है सबको? कमेंट करके बता दो एक बार, आप सबको क्लियर है वॉइस? अब तो नहीं हो रहा है ना ग्लिंच? चलो तो हाँ फिर से बात करते हैं। तो अटल बुक का नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। देखो देखो बुक का नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी, और अटल बिहारी वाजपेयी अ मैन फॉर ऑल सीजन, ठीक है, क्या नाम है बुक का? अटल बिहारी वाजपेयी द अ मैन ऑफ अ मैन फॉर ऑल सीजन, ये बुक का नाम है इनका, सागरिका घोष की। इसके पहले इनकी किताब जो एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, इंदिरा, इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये बुक इनकी ऑलरेडी आ चुकी है। दो बुक इनकी एग्जाम तक लेकर जाएगी, ये दो बुक याद रखना, आपको एग्जाम तक लेकर जाना है। अटल बिहारी वाजपेयी अ मैन फॉर ऑल सीजन, इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये दो बुक है इनकी, इन्होंने लिखा है इसको, ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी के पूरे जीवन के रिकॉर्ड, वाजपेयी जी के भाषण, कार्य, योजनाएं सब लिखा है इसमें, ठीक। आगे देखते हैं, किस वर्ष तक सूरत देश की पहली बुलेट ट्रेन वाला पहला स्टेशन बनेगा? क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन बन रही है, तो ऐसे में बुलेट ट्रेन का रेलवे स्टेशन किसको बनाया है पहला, मतलब मुंबई से अहमदाबाद के बीच में एक रेलवे स्टेशन अभी सबसे पहले कौन सा बनाया जाएगा? सूरत रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। अब ये घोषणा पहले हो चुकी है, अब आपको पूछ रहे हैं कि कब तक सूरत को रेलवे स्टेशन बना दिया जाएगा? तो 2028 तक, 2026 तक, 2022 तक, 2024 तक, ध्यान देना। जो सूरत रेलवे स्टेशन है उसको कब तक बना दिया जाएगा? बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई चलेगी, ये तो आपको याद है, बुलेट ट्रेन जो है वो अहमदाबाद से मुंबई चलेगी, आपको बताना है हाँ कि कब तक बना दिया जाएगा ये। बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा आपका 24, देखो दिसंबर 2024, सब लोग ध्यान देना। तो यहाँ पर लिखा है कि 2024 तक, दिसंबर 2024, सूरत को देश की पहली बुलेट ट्रेन वाला स्टेशन घोषित कर दिया जाएगा, जो कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन योजना का एक पार्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे भारत के
गुजरात से, देखो जिसको जिसको नहीं पता है ना वो लोग इस मैप को देखना, शायद आप लोगों को और आसान या और आसानी से समझ में आए। ये हमारा गुजरात है। ठीक है, तो यहाँ पर अहमदाबाद से मुंबई, ये बुलेट ट्रेन का रूट है, और बीच में आता है सूरत। सबको आया समझ में? ये अहमदाबाद है, मैप पर देखना आप, और ये आपका मुंबई। तो ये पहला स्टेशन बनाया है सूरत को। ठीक है, अभी सूरत बनाया जाएगा, फिर आगे और डेवलप किया जाएगा। सूरत 2024 तक बना दिया जाएगा, ये टारगेट सेट किया है। आगे है आपका, भारत में बुलेट ट्रेन किस देश की मदद से लगाई जा रही है? जापान की मदद से लगाई जा रही है, ये ध्यान देना। अगला है, 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार महोत्सव कब आयोजित किया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 45 जो इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर है, बहुत फेमस है ये बुक फेयर, ये पुस्तक पुरस्कार मेला और पुस्तक मेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरस्कार मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे या कब आयोजित किया जाएगा? इसमें वर्ल्ड के अलग अलग देश के बड़े बड़े देश इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेला, ध्यान देना। तो लगातार करते जा रहे हैं सब लोग, अच्छी बात है। चलिए, तो यहाँ पर ए लगा रहे हैं काफी लोग, और बिल्कुल सही आंसर है ए, 28 फरवरी। सब लोग इस क्वेश्चन को समझो, ये बुक फेयर है, पुरस्कार मेले की जगह इसको पुस्तक मेला करो। ठीक है, इसको पुरस्कार मेले की जगह पुस्तक मेला करो। ठीक है, पुस्तक मेला है ये। ठीक है, तो 42वां, ध्यान देना, ये 45 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो 45वां इंटरनेशनल कोलकाता पुस्तक मेला 28 फरवरी को आयोजित होगा, और इसको आयोजित करेंगे। इसके अलावा आप लोग इसमें दो बातें ध्यान रखें जो आपको याद रखना है इस बुक मेले के बारे में। देखो, 45वां आपका बुक फेयर है ये कलकत्ता के लिए। ठीक है, इसके अंदर ये याद रखो, थीम इस पुस्तक मेले की थीम क्या है? बांग्लादेश। तो जिस जिसके दिमाग में आ रहा है कि भैया देश में हो रहा है तो बांग्लादेश थीम क्यों रखा है? बांग्लादेश थीम रखा है क्योंकि 50 साल हो गए उनको आजाद हुए, 50 साल आजादी की, और उनके जो मुजीबुर रहमान जो थे, मुजीबुर रहमान जिनको बंग बंधु कहा जाता है, बंग बंधु ना, शेख हसीना के फादर जो है, ठीक है, उनके जन्मदिन के उपलक्ष में रखा गया है ये थीम बांग्लादेश। याद रहेगा सबको, बांग्लादेश थीम क्यों रखा है? 50 साल हो गए बांग्लादेश को आजाद हुए, 1971 में आजाद हुए थे, तो 50 साल कंप्लीट कर चुका है बांग्लादेश। ठीक है, तो उसके चलते जो थीम रखा है पुस्तक मेले का, वो रखा है बांग्लादेश। ठीक है, आगे आपका, दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे, इग्लू कैफे कहाँ पर खोला गया है? दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे, तो इग्लू क्या होता है अभी थोड़ी देर में बताएंगे आपको। पहले आप इसका आंसर लगाने का ट्राई करो कि दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ पर खोला गया है? जिनेवा, पेरिस, मॉस्को और गुलबर्ग। दुनिया का सबसे बड़ा, ध्यान देना, इग्लू कैफे कहाँ पर खोला गया है? और जितने भी लोग हैं वीडियो को लाइक करते चलना, ठीक है, जितने भी लोग हैं क्लास में वीडियो को लाइक करते चलना। देखो यहाँ पर डी लगा रहे हैं सब लोग, क्योंकि शायद इंडिया, इंडिया के कारण डी लगा रहे हैं, गुलमर्ग इंडिया में है शायद इस कारण से डी लगा रहे हैं। लेकिन सही आंसर क्या है वो लगाओ बेटा, डी इंडिया के चक्कर में इमोशनल मत हो जाओ। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे पूछा है आपसे, दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे। हाँ, तो देखो इग्लू क्या होता है, बर्फ का घर देखा होगा आपके, से गोल कलर गोल रहता है, आप सबने देखा होगा बर्फ का, ऐसे गोल रहता है और ऐसे गेट रहता है उसमें, ये बर्फ का, बर्फ से बनाया जाता है ये। ठीक है, इस प्रकार से कुछ दिखता ही है, इसको इग्लू बोलते हैं। ठीक है, तो ये बनाया गया है गुलमर्ग में। फोटो देख के आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, ये फोटो देख के आप लोग थोड़ा और क्लियर कर सकते हैं, ये गुलमर्ग में है, दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे गुलमर्ग में खोला गया है। ठीक है, और काफी बड़ा है, और ध्यान देना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दुनिया का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इग्लू कैफे के बाद में। 2021 में दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाला शहर, 2021 में
किसको बनाया गया 2021 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर? बीजिंग, टोक्यो, इस्तांबुल, या इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मुंबई ऑप्शन में नहीं दिया है, ध्यान देना, और न्यूयॉर्क भी नहीं ऑप्शन में। वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? बीजिंग, टोक्यो, इस्तांबुल, या इनमें से कोई नहीं। कोलकाता में बुक फेस्टिवल होगा बेटा, इग्लू वाला तो गुलमर्ग में है। तो ए आ रहा है, सी आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है ठीक है, सी इस्तांबुल। अच्छा, इस्तांबुल भी लगा रहे कुछ लोग। चलिए तो मैं बता देता हूँ आपको इसका आंसर क्या आएगा, सुनो। 2021 में दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला जो शहर है वो रहा इस्तांबुल, तुर्की में आता है ये। अब आप सब लोग ध्यान देना कि दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रैफिक, जो ट्रैफिक इंडेक्स है उसके माध्यम से निकाला गया ट्रैफिक इंडेक्स है, दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है? इस्तांबुल, ठीक है, नंबर वन है पूरे वर्ल्ड में। हमें बस ये याद रखना है कि नंबर वन पूरे वर्ल्ड में नंबर वन कौन है, हमको ये याद रखना है, इस्तांबुल। और हमारे भारत का कोई है क्या? तो हाँ, हमारे भारत का मुंबई पांचवें नंबर पर। सब लोग ये दो बातें याद रखेंगे, दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर इस्तांबुल है तुर्की में, और अगर भारत की बात करें तो पांचवें नंबर पर है मुंबई। तो भारत में पहला मुंबई, पांचवें नंबर वाला जो भारत में पहला हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विश्व में पांचवें नंबर पर है। तो ये देखो, इसके बारे में डिटेल है, इस्तांबुल, ध्यान देना, 2021 दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर इस्तांबुल घोषित किया गया है, जो कि तुर्की में स्थित है। और जबकि दूसरे नंबर पर रूस का मॉस्को, मतलब ये सब भीड़ भाड़ वाले शहर है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, देखो इधर लास्ट लाइन, जबकि मुंबई पांचवें स्थान पर रहा, ये इम्पोर्टेंट है। पांचवें स्थान पर कौन है? हमारे भारत का मुंबई, ठीक है, याद रखो। ये जो दो दो इम्पोर्टेंट फैक्टर बताए मैंने, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, ये इंडेक्स किसने निकाला है? टॉम टॉम नाम की कंपनी ने निकाला है टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, और इसने बताया है कि इस्तांबुल जो है आपका मोस्ट ट्रैफिक वाला जगह है आपका पूरे वर्ल्ड में, नंबर वन, और जो हमारा मुंबई है वो पांचवें नंबर पर है, ठीक है। चलो, मुंबई के बाद में आगे देखते हैं। किस राज्य में नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चीक्ड मेकांग की खोज की गई है? व्हाइट चीक्ड मेकांग की खोज की गई है, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना, किस राज्य में नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चीक्ड पेकोंग की खोज की गई है? डेली करंट अफेयर में जो लोग रोज आते हैं उनको पता है कि रोज हमारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, काफी अच्छे, करंट अफेयर का डेली पार्ट है। आप इसका हिस्सा बने तो आपको बहुत सारा करंट अफेयर का पार्ट क्लास के साथ में ही कवर होता रहेगा। किस राज्य में नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चीक्ड मेकांग की खोज की गई है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही। देखो, ध्यान देना, तो अरुणाचल प्रदेश में ये एक एक प्रकार का बंदर ही है, लेकिन बंदर का एक एक प्रकार का वानर की प्रजाति है, व्हाइट चीक्ड मेकांग नाम है इसका। आप लोग याद रखें, व्हाइट चीक्ड मेकांग कहाँ पर मिला है? व्हाइट चीक्ड मेकांग आपका मिला है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो न्यूएस्ट मेमल दिख रहा है आपको ऊपर लिखा हुआ उसका टेगलाइन, न्यूएस्ट मेमल। तो अभी न्यूएस्ट मेमल एक प्रकार का ये व्हाइट चिकड मेकांग, और कहाँ पर मिला? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। इसके बारे में याद रखे फैक्ट, और बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलो, ध्यान रहे व्हाइट चिकड, और व्हाइट चिकड मेकांग के बाद में आगे चलते हैं, व्हाइट चिकड मेकांग के बाद में आगे चलते हैं। ध्यान देना, हमारा कुछ बैच कोर्स है जिसको आप जुड़ सकते हैं। नेहा बता रहे हैं कि CGPSC में करंट अफेयर के क्वेश्चन अपनी क्लास से आए थे, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो अच्छी बात है। तो आप सब लोगों को बता दें कि नेहा एक रियल स्टूडेंट है, ठीक है, ना कि फ़ोन पे या गूगल पे करके नेहा को बैठाया है कि एक सा मैसेज कर देना चलती क्लास में, ठीक है। तो चलिए, अच्छा है ना, बढ़िया बढ़िया, तो अच्छा लगा सुन के। देखो, यहाँ पर बैच कोर्स के बारे में देखना, तो आप हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 9 फरवरी से एक नया बैच आ रहा है हमारा, जो शुरू हो चुका है, 11 फरवरी से शुरू हुआ है बैच। इन सभी बैच को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है आप लोगों को, तो ध्यान देना सब लोग, इन सभी बैच के लिए करना यह है कि आपको ध्यान देना, मंथ को करना है सिलेक्ट, मंथ सिलेक्ट करके रेफरल कोड डालना है आपको, भूपेश लाइव। रेफरल कोड क्या पुट करना है आपको?
भूपेश लाइव, तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी प्लस पे, जरूर यूज़ करें रेफरल कोड, ठीक है? तो ध्यान देना सब लोग, तो ठीक है, और बहुत बढ़िया, ठीक है? चलिए, तो सब लोग यहाँ पर रेफरल कोड पुट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा आज का टाइम टेबल देख लेना सब लोग, सुबह 10 बजे करंट अफेयर हो गया, अभी हमारा 12 बजे रहेगा लूसेंट डेट 46, 2 बजे रहेगा यूनिट 10, और 4 बजे रहेगा यूनिट 4, ठीक है? तो ज़रूर इसका हिस्सा बने, ज़रूर इसको पढ़े आप लोग, ठीक है? इसी के साथ मिलते हैं हम लोग, और जी, आप जियो पढ़ा रहे क्या? बिल्कुल जियो चल रहा है, 4 बजे जियो, 4 बजे चल रहा है, ठीक है? चलिए, तो बढ़िया है, और जितने भी लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है? इसी के साथ मिलते हैं अब हम लोग, ठीक है? 12 बजे फिजिक्स का मेगा क्विज है आज, आज 12 बजे फिजिक्स का मेगा क्विज है, उसमें मिलते हैं। अभी के लिए करते हैं इतना ही, उम्मीद है मज़ा आएगा सबको, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है? मिलते हैं अब हम लोग सीधे, ठीक, 12 बजे। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।